हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे ही मल्टीवेगर शेयर की, जिसका चार्ट आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि टाइम पे ये शेयर लगभग 2 रुपये का हुआ करता था और आज की डेट में देखेंगे किस हिसाब से इसने 556 रुपये का जो इस समय लेवल दिखाया, उससे आप ये समझ लीजिएगा कि जो रिटर्न इस शेयर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 18,622% तक का। यानी कि एक लंबे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इस शेयर से निकलती हुई नज़र आ रही है, और ये है वो टाइम फ्रेम जब 2020 के अंदर मार्केट गिरती हुई नज़र आई थी। उस समय इस शेयर ने जो लो बनाया था वो लगभग 250 रुपये के करीब था, और वहाँ से 2020 से इस शेयर ने आज की डेट में 526 रुपये का जो अपना टारगेट दिखा, उससे पहले इसने काफ़ी मजबूती से अगर आप देखें तो नियर बाई 590 का जो अपना हाई बनाया, उससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी इस शेयर के ऊपर एक्सपर्ट्स बुलिश नज़र आ रहे हैं। यानी कि इसके ऊपर जो टारगेट इस समय दिखाई दे रहे, काफ़ी बढ़िया टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं, और मार्केट की गिरावट के अंदर अगर आप देखें तो ये शेयर इस समय काफ़ी बढ़िया प्राइस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसने अभी देखेंगे 549 का जो हाई बनाया, और आज के दिन में जो मार्केट के अंदर जो गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर अभी बड़ी गिरावट के बाद आप ये प्राइस इस समय 526 का देख पा रहे हैं। 3% से ज़्यादा की इस शेयर के अंदर आज के दिन में गिरावट है, और मैं आपको यही बताना चाहूँगा क्योंकि इस शेयर के ऊपर बढ़िया टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। गिरती हुई मार्केट के अंदर आप इस शेयर के ऊपर अपना दाव लगा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मैरिको लिमिटेड के ऊपर ब्रोकरेज हाउस ने जो अपनी एक्सपर्ट राय दी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस शेयर के ऊपर एक अच्छे खासे टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी सालों से इस शेयर ने एक बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा चार्ट पैटर्न इस समय शेयर का बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो ऐसी कंपनियों के अंदर भाव मत देखिएगा, बस ये देखिएगा कि किस हिसाब से देश के अंदर ऐसी कंपनियां बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो रेगुलर मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो बढ़िया खपत के साथ मार्केट के अंदर छाए हुए हैं, और यही रीज़न है कि इस समय FMCG सेक्टर के अंदर दाव बढ़िया तरीके से अगर लगाएं तो 130 करोड़ की जनता के लिए बहुत बढ़िया FMCG कंपनियां एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही हैं। आपसे मैरिको लिमिटेड वन ऑफ द इंडिया लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑपरेटिंग ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर एंड 25 कंट्रीज अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। इट नेचर्स लीडिंग ब्रांड्स अक्रॉस कैटेगरी ऑफ हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल, हेल्थी फूड्स, मेल ग्रूमिंग एंड फैब्रिक्स। तो यानी कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 456 रुपये का इसका लो है, 608 रुपये का इसका हाई है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो बढ़िया शेयर है। इसका जो इस समय टारगेट नज़र आ रहा है वो 600 से ऊपर का टारगेट इस समय इसके ऊपर ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और यही रीज़न है कि इस समय ये गिरावट के टाइम में बढ़िया पोजीशन पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसने अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 480 का लो बनाया है उससे नीचे का, और उससे पहले जनवरी के बाद यानी कि फरवरी में भी इसने लगभग काफ़ी नीचे 460 के करीब का लो बनाया। यानी कि इस शेयर के अंदर बढ़िया रिटर्न की जो गारंटी है वो अगर आप गिरावट में खरीदते हैं तो डेफिनेटली बढ़िया रिटर्न आपको आने वाले टाइम में मिलते हुए नज़र आएंगे। इंडिया के अंदर 3rd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है डाबर और गोदरेज के बाद। यानी कि शेयर के अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से क्वार्टरली नतीजों को अगर आप देखें पिछले 4 क्वार्टर को, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ समझ पाएंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शेयर के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ईयर एंड ईयर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया इस शेयर के अंदर ग्रोथ बनी हुई है। यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ इस शेयर के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि भारी भरकम और मजबूत फंडामेंटल वाली ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आएगी।